हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद रेतिमन। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर के अंदर हम लोग राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने तारागढ़ जो अजमेर में है यहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहरानगढ़ जो कहाँ है, जोधपुर में। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में। तो दुर्ग कितने टाइप के होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। इसे मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण यह संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बड़ियो मेहरान। तो मेहरानगढ़ जो है इसकी स्थापना किसने की? इस दुर्ग की स्थापना करने वाले राव जोधा 1459 ईस्वी में इन्होंने की थी। जोधपुर में कहाँ पर बना हुआ है यह चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रखना है चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तो देख लीजिए आप, ये मेहरानगढ़ जो जोधपुर में है कैसा है, ये गिरी दुर्ग है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक प्राचीन तोपे हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, घुड़घाड़ी, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। ये क्या है? ये तोपे हैं। ठीक है, इस किले के अंदर तोपों के नाम हैं। तो तोपों के नाम जो हैं वो तोप जैसे ही हैं, तो ये याद करने में आसानी रहेगी। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, घुड़घाड़ी, बिच्छू बाण और मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौकेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन तोपों के नाम याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो है बना हुआ है ये मेहरानगढ़ दुर्ग, कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, याद रखना है। निर्माण किसने कराया था? राव जोधा ने करवाया था 1459 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए चूरू का किला। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस बार अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए सीसा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकार और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो ये है, ऐसा कौन सा किला है जहां पर जब विद्रोह हुआ था तो जब गोले समाप्त हो गए थे तो वहां के लोगों ने क्या किया था, चांदी जो थी उनको इकट्ठा करके उसके गोले बनाकर दागे थे। ठीक है, तो वो कौन सा है? चूरू का किला है। तो याद रखना है इसे बहुत अच्छे से कि चांदी के गोले जो है वो दागे गए थे चूरू के किले में जब क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। अकबर का दुर्ग जो कहाँ है, अजमेर में। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन। अकबर का दुर्ग जो कि अजमेर में है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया है। ठीक है, सभी दुर्ग जो है वो राजपूत शासकों ने बनवाए हैं, लेकिन केवल एकमात्र जब अकबर ने बनवाया, अकबर
कौन था? मुसलमान था, तो उसने मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया अकबर का दुर्ग। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बना लिया था। नेक्स्ट है लालगढ़ दुर्ग, जो बीकानेर में है। इसे जूनागढ़ भी कहा जाता है, ठीक है? तो लालगढ़ के नाम से कम और जूनागढ़ दुर्ग के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दुर्ग की नींव जो है वो महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। इस दुर्ग की प्राचीर और अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थर से हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया? लालगढ़ कहा गया। इस दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरज पोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध, जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, इनकी हाथी की सवार मूर्तियां जो है वह भी स्थापित है। तो ये लाइन जो है वो याद रखिएगा कि जैमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां जो है वो कहाँ पर स्थापित हैं? वह स्थापित है जूनागढ़ दुर्ग में। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। नेक्स्ट है भैसरोणगढ़ का किला, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि चारों तीनों ओर से कहाँ से घिरा है? पानी से घिरा है। कर्नल टॉट के अनुसार इस किले का निर्माण भैसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारी काफिले की रक्षा हेतु करवाया गया था। डोड़ शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों, चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैसरोणगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ठीक है? तो राजस्थान का वेल्लोर जो है वह किसे कहा जाता है? भैसरोणगढ़ के किले को। कैसा दुर्ग है ये? ये जल दुर्ग है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। अगला है गागरोन का किला, यह भी जल दुर्ग है, यह भी तीनों ओर से पानी से घिरा है। कौन कौन सी नदियां? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। तो ऐसे ही भैसरोणगढ़ किला जो है वो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, और गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। तो यह किला जो है वह भी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमारों द्वारा किया गया था, ठीक है? डोड़ परमारों द्वारा किया गया था। इसके नाम पर यह डोड़गढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। ये देखिए गागरोन का किला है, तीनों ओर से कहाँ है? पानी से घिरा हुआ है। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचल दास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। तो इस किले में वीरता की कहानी जो है वो अचल दास खींची की याद दिलाती है। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिठे साहब, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है वह भी इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। यह है झालावाड़ में गागरोन का किला। नेक्स्ट है जयगढ़, जो कि आमेर में है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं, ठीक है? कुछ भी नया नहीं है, बस इतना ही नया है कि जयगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ है? आमेर में है, ठीक है? ये चीज याद रखनी है। और इसमें जो है तोपे ढालने की विशाल कारखाना जो है वो इसमें है, जयगढ़ दुर्ग में। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप ये भी यहीं पर है, आप लोगों को याद है। हम लोगों ने जब सवाई जयसिंह पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था। इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं।
तो ये कुछ खास बातें होती हैं जो एग्जाम में इन दुर्ग से संबंधित पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि रहस्यमय दुर्ग जो है वो किसे कहा जाता है, जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला है जालोर का किला। जालोर का किला जो है वो सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, सूकड़ी नदी के किनारे। शिला लेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी भी मिलता है। किसमें मिलता है? शिला लेखों में। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी में, जिसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था और लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये इससे संबंधित है, जो कहानी थी वो हम लोग देख भी चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसलमेर का किला। राजस्थान की सुवर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थर से निर्मित इस किले को सोनार किला भी कहा जाता है, ठीक है। जैसलमेर के किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था? निर्माण जो है वो 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इस बारे में कहावत प्रचलित है कि पत्थर के पैर लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर यहाँ पहुंचा जा सकता है, ठीक है। ये लाइनें जो हूबहू एग्जाम में पूछी गई हैं कि ऐसा कौन सा किला है जिसके बारे में ये कहा गया है कि जिसके लिए पत्थर के तो पैर होने चाहिए, लोहे का शरीर होना चाहिए और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही यहाँ पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये रेगिस्तान में है, विशाल मरुस्थल में ये फैला हुआ है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ ऋषभ देव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज महल और जवाहर विलास ये प्रमुख हैं। तो इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम में जब आता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जाने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, लोहे का शरीर होना चाहिए, ठीक है, और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही जाया जा सकता है, तो ऑप्शन में जैसलमेर का किला, लोहागढ़ का किला, तो आपका थोड़ा सा आ सकता है कि हाँ ये लोहागढ़ का किला ही होगा जहाँ लोहे के पैर होने चाहिए, तो आंसर होगा जैसलमेर का किला, ठीक है। नेक्स्ट है लोहागढ़। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। लोहागढ़ को पूर्व स्थित में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे, ठीक है। तो इसको बनवाया किसने था? 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, सूरजमल जिन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे, ठीक है, किले के जो प्रवेश द्वार है उसे। इस किले की अवैधता का कारण इसकी चौड़ी दीवार है। चौड़ी दीवार होने के कारण इसे भेदा नहीं जा सकता। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोप खाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक, इसने 5 बार इस किले पर चढ़ाई की 1805 में, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया, असफल रहा। ये याद रखना है इस अंग्रेज अफसर का नाम। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत
और कुचामन का किला पूर्व जयपुर रियासत के शिवाण, कालक, कांकोड़ और खंडार के किले, हांडोती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। तो यहाँ हमने जितने भी दुर्ग थे कंप्लीट किए हैं, और चैप्टर जो है वो ध्यान से पढ़ा करिए, जिससे कि कुछ चीजें यहाँ क्लियर होती हैं और बाकी जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर में क्लियर होती हैं। मंदिर शिल्प स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, बल्कि कला की गति, कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही, यानी कला जो है वो हमने न केवल नगर निर्माण में, भवन में, दुर्ग में ही देखी, बल्कि हमने मंदिरों में भी देखी। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पहले जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे बैराट का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर, नगरी का वैष्णव मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है। यह मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के बीच में रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू कहा गया। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी याद करने का नहीं है। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं और 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर, ठीक है, 8वीं और 9वीं सदी में कौन कौन सा मंदिर, देखिए महत्वपूर्ण मंदिर 8वीं 9वीं सदी के ओशिया, चित्तौड़गढ़ एवं आभानेरी में स्थित हैं। ओशिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सच्चिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन सी सदी में बने ये बने 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक, ठीक है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बलोतरा के पास खेड़ के क्रमशः कामेश्वर एवं रणछोड़ जी मंदिर है। तो पाली में कौन कौन से मंदिर हैं, देखिए कामेश्वर एवं रणछोड़ जी मंदिर। लगभग 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जस नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर 1016 ईस्वी में तब बना था। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिर में से एक है। इसका शिखर जो है वो दर्शनीय है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को अभी तक क्या याद रखना है, एक तो कि ओशिया, चित्तौड़गढ़ और आभानेरी में 8वीं और 9वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर बने, इसमें सच्चिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। पाली में देखिए कामेश्वर और रणछोड़ जी का मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर है और किराणू का सोमेश्वर मंदिर जो है वह गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर रहा। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालौर के गुर्जर प्रतिहार रहे। इसके बाद चौहानों, परमारों, गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के बाद चौहानों ने, फिर परमारों ने और फिर गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं। इनमें बाड़ौली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका का मंदिर। ठीक है, ये मंदिरों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बाड़ौली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर कहते हैं, उदयपुर में जगत अंबिका का मंदिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग रहे। ठीक है, ये मंदिर किसने बनवाए, ये चौहान, परमार और गुहिलों द्वारा बनवाए गए।
ग्यारहवीं और तेरहवीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ग्यारहवीं से तेरहवीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं, इसे शिल्प का स्वर्ण काल कहा जाता है। ग्यारहवीं से तेरहवीं सदी को इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। इस शैली के मंदिरों में ओशिया का सच्चिया माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में समिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत पतले लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। तो देखिए, हमें बात तो सारी पता होनी चाहिए, पैराग्राफ पूरा ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखने की होती है। नेक्स्ट है कि इस समय ही एक और शैली विकसित हुई, भूमिज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। ठीक है, तो पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में इस शैली का, कौन सी, भूमिज का, इस शैली का सबसे पुराना मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर, बारा जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण है। याद रखना है ये मंदिर जो है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, बारा जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा और बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उल्लेखनीय जो है वह महत्वपूर्ण जो है स्वर्ण काल कब माना जाता है, 11वीं से 13वीं सदी तक। ठीक है, 13वीं सदी के बाद इतना ज्यादा महत्व नहीं रहा। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, कैसोर राय पाटन के मंदिर और आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो प्रमुख है। 13वीं सदी के बाद ये मंदिर आकार की भव्यता लिए रहे। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण की बहुलता रही। यानी उसके बाद क्या है, मंदिरों के निर्माण की बहुलता जो है वह हवेली शैली के अंतर्गत रही। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं का अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, देलवाड़ा का मंदिर। इनके अलावा रणकपुर, ओशिया, जैसलमेर आदि स्थानों में भी जैन मंदिर प्रमुख है। ठीक है, तो जैन मंदिर, देलवाड़ा का मंदिर, रणकपुर का मंदिर, ओशिया का मंदिर और जैसलमेर, यहाँ पर जैन मंदिर प्रमुख है। पाली जिले में सेवाड़ी, घाड़ी राव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी, झालरा पाटन, बूंदी में कैसुर राय पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रमुख है। ठीक है, याद रखना है दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो जैन मंदिर है, रणकपुर, ओशिया और जैसलमेर, ये सभी जैन मंदिर प्रमुख हैं। चलिए अब हम देखते हैं एकलिंग जी का मंदिर जो कहाँ पर है, उदयपुर में है ना। चलिए, एकलिंग जी का लक कुलीश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथ द्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। याद रखना है एकलिंग जी का मंदिर जो है वह उदयपुर में है। इसका निर्माण जो है वह किसने करवाया, इसका निर्माण जो है वो कराया था मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने। इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया था। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी की को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ में यही पता होना चाहिए, एकलिंग जी का मंदिर जो है वो उदयपुर में है, मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल कालभोज ने इसे बनवाया था और बाद में इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया, महाराणा रायमल ने। नेक्स्ट है किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है, बाड़मेर में। किराड़ू का प्राचीन नाम किराट कूप था।
ऐसे आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किराड़ू का प्राचीन नाम विराटकूप था, जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप के खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं और 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओशिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें वैष्णव और शैव मंदिर है। ठीक है, याद रखना है किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है, और इसका पुराना नाम क्या है? किराटकूप। ये रहा किराड़ू का मंदिर, जो कि बाड़मेर में है। ठीक है, किराड़ू के मंदिर में से सबसे सुंदर जो है वो सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को क्या कहते हैं? इसे हम राजस्थान का खुजराहो भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है राजस्थान का खुजराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। कहाँ पर है ये? बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर में है। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है, जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कि यह मंदिर जो है ये किसने बनवाया? ये कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बनवाया। ठीक है, और इसमें जो काले पत्थर की जो काला पत्थर जो है वह कृष्ण की वो मूर्ति है, जिसकी मीरा जो है वो चित्तौड़ में क्या करती थी? पूजा करती थी। और मानसिंह इसे जो है वो चित्तौड़ से लेकर आए थे। नेक्स्ट है जैन मंदिर जो कि दिलवाड़ा में है। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिर में 2 मंदिर हैं। पहला मंदिर जो है वो कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यह मंदिर। पहला प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का मंदिर है। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो मंदिर है, पहला कौन सा था? ऋषभ देव जी का मंदिर। और दूसरा जो जैन मंदिर है वो 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। और इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं? लूड़ वसाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला मंदिर जो है वह जैन तीर्थकर ऋषभ देव का, दूसरा मंदिर 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का। इस मंदिर के मंडप स्तंभों छतरियों तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत यानी सफेद पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई। इस मंदिर के रंग मंडप व नव चौकी की कलात्मकता अद्भुत है। चलिए ये देखिए, ये है जैन मंदिर जो कि कहाँ पर है? देलवाड़ा में। हर्षत माता मंदिर आभानेरी। आभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षत माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनबी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। ठीक है, तो हर्षत माता मंदिर जो है वह कहाँ है? आभानेरी में। शिव मंदिर, छोटे छोटे मंदिर देखिए, इनके बारे में बस ये पता होना चाहिए ये मंदिर जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, शिव मंदिर बाडोली में जो है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव, पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाड़ के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। तो शिव मंदिर जो बाडोली में है, इसका निर्माण किसने करवाया? हूण शासक तोरमाड़ के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया। अगला जो शिव मंदिर है वो भंडदेवरा का है। बारा जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हांडोती का खुजराहो के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा ऐसा मंदिर जो कि हांडोती का
खुजराहो के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह है भंड देवरा का शिव मंदिर। इसका निर्माण जो है वह किसने करवाया? तो इसका निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही जो शिव मंदिर हैं, जो बारडोली में भंड देवरा में है, ये दोनों मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट है जैन मंदिर, जो कि रणकपुर में है। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासन काल में 1433 से 1668 में धरणी शाह नामक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार तो सेकंड ग्रेड में और एक बार फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोबारा से देखिए कि जो पाली में जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर है, यह प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ को। कौन सा मंदिर? रणकपुर का जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है वह महाराणा कुंभक के शासन काल में एक जैन व्यापारी ने करवाया। नाम क्या है? धरणी शाह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, धरणी शाह। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है। खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर को, ठीक है। याद रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, रणकपुर के जैन मंदिर को, जो कि पाली जिले में है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है, ठीक है। इस वाले पूरे पैराग्राफ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सच्चिया माता मंदिर, जो कि ओसिया में है। कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर से 57 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। ओसिया के वैष्णव मंदिर में हरियर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर, शाक्त मंदिर में पीपला माता और सच्चिया माता के मंदिर प्रमुख है, ठीक है। यहाँ आप बस ये याद रखिए कि सच्चिया माता का मंदिर जो है वो ओसिया जोधपुर में है। सहस्त्र बाहु या सास बहु मंदिर, जो कि नागदा में है, उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में, ठीक है। याद रखना है इसके बारे में केवल इतना ही। 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। राजप्रासाद एवं महल स्थापत्य। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का भी निर्माण होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्य काल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे। कुंभकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये महलों की बात होने लगी, राजाओं के जो महल थे उनकी। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ, तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फब्बारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, कुंभज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह का महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल, यहाँ पर ये प्रभाव दिखाई देता है। किसका? मुगल प्रभाव जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर मेहराब जो है वो इस तरीके से जो मेहराब है वो बनने लगी, गुंबज आदि रूपों में ये चीजें जो है वो बनने लगी, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए याद करने को तो कुछ भी नहीं है। 17वीं सदी के बाद कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं,
बारह दरिया, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस, ठीक है, दोनों ही जगह है, जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस जो है वो मुख्य है। राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था डींग के महल को जल महल कहते हैं, इसका विशेष स्थान है। यह महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डींग के महलों के चारों ओर छज्जे हैं जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ अंडरलाइन नहीं करूंगी क्योंकि हमने जब वहां पढ़ लिया था पहले ही कि डींग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, किसने, राजा सूरजमल ने बनवाया था, जो भरतपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, चैप्टर थोड़ा सा ही बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 6 चैप्टर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।